रुको। मेरी बर्बादी का कारण तुम ही हो। तुम ही से बात करनी है। मामा, मैंने कहा यहाँ आओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बातें तुम्हारे परिवार वाले सुने और तुम्हारी सारी करतूतें उनके सामने आ जाए। मामा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपके साथ ये सब हो। अपनी इस झूठी संपत्ति को अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। सच तो ये है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका कारण था तुम्हारा ये स्टुपिड सा इन्फैचुएशन, तुम्हारा एक तरफा प्यार और ये दो कौड़ी की लव स्टोरी। लेकिन फिक्र मत करो, जब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, तो वो दो कौड़ी की नहीं होगी, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें ये सब। यू चुटकियों में तुम्हारी जिंदगी पलट दूंगी मैं, सोच भी नहीं सकती तुम। और सिर्फ तुम्हें नहीं, इसका हिसाब देव को भी चुकाना पड़ेगा। आज जिस आग में मैं जल रही हूं ना, उसी आग में तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। ठीक हो आप? मम्मा, मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही, जो साथ पुश्तों में नहीं हुआ ना वो आज हो गया। कैसा अनर्थ! मिला अपनी माता तो जोड़ियां बनाती थी और अब तोड़ने लगी है। पहले इस विधि की और अब देव जी की, हो क्या रहा है ये सब? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आखिर विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कि माता मिलापने के दरबार में ये देव साहब और अम्बा जी की ठगाई यूं अचानक। फिर यही सोचता हूँ कि देव साहब की माँ ने कुछ सोच समझ के ये निर्णय लिया होगा। कोई कुछ भी कहे, माँ मिला अपनी सही जोड़िया ही मिला थी। अब देख लो, विधि की जोड़ी उस लड़के के साथ नहीं लिखी थी, सो माँ ने तुड़वा दी। देव जी के लिए भी माँ ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। जरूर इसमें सबकी भलाई छुपी होगी। अरे भलाई और अच्छाई तो बाद में दिखेगी, पहले जो मलाई हमारे हाथ से जा रही है ना वो देखो। भाई साहब, पहली बात तो ये कि मैया के नाम पे यहाँ मलाई कोई नहीं खाता है। दूसरी बात, लोगों का इतने सालों से मैया पे भरोसा है, वो अचानक ऐसे कैसे टूट जाएगा? हे मां मिलापनी, तुम ही सब संभाल। हाय, सजावट के पैसे! अरे उर्मिला, क्या कर रही हो? कभी तो कुछ सोचा करो, ये वक्त है। अब सोचने को बचा ही क्या है जीजी? जी
विदीदी देवसर से प्यार करती है, लेकिन ये सगाई टूटने का ये रीजन है कि देवसर भी विदी को। चित्रा, देखो आई नो ये जो कुछ भी हुआ सब थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखिए सगाई तो हुई नहीं, बड़ा अफसोस हुआ सच में। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही, जाने क्या क्या कहेंगे लोग। लेकिन देखिए तैयारियां तो पूरी हुई और खर्चा भी हुआ है कि नहीं है? और ये झालर मैंने खास दिल्ली से मंगवाई थी, बहुत महंगी, इंदौर में तो मिलती भी नहीं। अब चित्रा जी बात तो आप ही से हुई थी ना? हाँ बात तो हमसे ही हुई थी। अम्बा अपनी जुबान से कभी मुकरती नहीं। दूसरों की तरह वो जो कहती है वही करती है। कितना खर्चा हुआ? और चाहिए? और रख लो, ये भी रख लो, ये भी ले लो। और ये झालर, ये दिल्ली से आई थी? इसके भी पैसे काट लेना। जो कुछ भी किया है ना मैं उसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। माँ आपने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? तो क्या करती मैं, तेरी तरह सच को झुटला देती? आंख बंद करके देखती रहती कि मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है? हाँ तू तो मुझे सौतेला मानता है, लेकिन मैं तो खुद को तेरी मां मानती हूं ना, कैसे तेरी जिंदगी को बर्बाद होते देखती। ये बात कहां से बीच में आ गई? तूने कहा ये बात? आज तेरी सगी मां जिंदा होती तू तो चुप बैठता। तो क्या उससे अपने दिल की बात नहीं बताता? इतना बड़ा दर्द दिल में रह के बैठा रहा, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मेरी माँ से बात करूं? तुझे मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ हूं मैं। अच्छी तरह जानती हूं अपने बेटी की खामोशी, उसका दर्द सब समझती हूं मैं। क्या है ये? एक खत तूने लिखा है ना? हाँ
विधि से प्यार करता है, करता है ना विधि से प्यार, तो ये सब कुछ करने क्या चला था? किस लिए इतना त्याग बलिदान देव? अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए, सबने हमें मोचे के साथ कितना बुरा किया है। देव भाई और मामा ने तो ये भी नहीं सोचा कि इससे मेरी मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। मैं विक्रम और अभी मोचे को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। तब देख, मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई, प्लीज। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसके बाद रायचंद हाउस में कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं। चित्रा, चित्रा, आप ही मनियो, जिसका डर था वही हुआ है। ये देखो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे मीम्स बना रहे हैं हमारे पे। We are all over the news. सोशल मीडिया पे पूरा तमाशा शुरू हो गया है अभिमन्यु। This is so embarrassing. I can't show my face to anyone. ये मीडिया कैसे पहुंच गई यहाँ पे इतनी जल्दी? मीडिया? I don't want to answer anyone. Please चलो यहाँ से। सर देवराय चंद ने ये सगाई क्यों तोड़ी सर? अरे उस बहन को तो इतना तक नहीं पता कि शैम्पू खरीदना और भाभी को घर में लाने में क्या फर्क है। वो तो ना समझे, लेकिन तुझे क्या हुआ था देव? एक गुड़िया देकर अपनी बहन की जिद मिटाने में और उसकी जिद के सामने में अपनी जिंदगी देने में फर्क है। इसीलिए इस सही गलत दिखाने के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ा। तू क्या चाहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते देखती रहूं और कुछ नहीं करूं? क्योंकि मैं सब तेरी मां। मां, मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी कि अचानक। ये देखो ना, पूछा था तोहफे में देंगे, ऐसा अपशगुन हुआ कि सगाई टूट गई। बताओ, सगाई का टूटना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पर से इतने बड़े खानदानों में जितनी बड़ी बिरादरी है उतना बड़ा बवाल मचता है। आखिर क्या वजह थी कि देव रायचंद ने सगाई वाले दिन ही अंबा मेहता से सगाई तोड़ दी? हमारा नाम है उर्मिला शर्मा और हमने जो है पूरा डेकोरेशन का काम यहाँ पे उठाया था। दिल्ली से बड़ा महंगे से महंगा डेकोरेटर बुला के, जो हमारे नॉर्मल में नहीं मिलता, दिल्ली से मंगवा के हमने पूरी तैयारी करवाई थी। देखिए मैडम, देखिए उर्मिला वो इंटरव्यू दे रही है। लेकिन मैडम जी, सगाई क्यों टूट गई? हमें तो बस इतना ही पता है कि देव जी जो है बस अंगूठे पहनाने वाले थे, तो इतने में देव जी की माँ सत्यवती जी आई और कहती सगाई नहीं हो सकती, और फिर देव जी भी बोले कि ठीक है नहीं करते सगाई। मतलब कि सौतेली माँ ने ये सगाई तोड़ दी? एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं। वो क्यों? उसे कोई तो रीजन बताया होगा ना? यही तो बात है, कोई रीजन बताया ही नहीं, बस सगाई तोड़ी और चले गए सबके सब। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, परिवार के लिए त्याग करना बंद कर, बस अब खत्म। आज के बाद अभी से तू सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा, अपनी खुशियों के बारे में सोचेगा। तूने लिखा है ना उस खत में कि विधि ने अपने प्यार का इजहार किया, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उसने अपने दिल की बात तुझसे कब कही, मतलब अम्मा के साथ सगाई करने के लिए हाँ करने से पहले या बाद में? ऐसा उसने कुछ वो मतलब इजहार नहीं किया, वो अभिमन्यु ने उसे फोर्स किया था कि वो मुझे कन्विंस करे कि मैं अम्मा से सगाई कर लूं, और उसी के बारे में बात करते करते बात बिगड़ गई और उसने गलती से अपनी फीलिंग्स मुझसे कह दी। गलती से ही सही उसने अपनी फीलिंग्स तुझे बताई तो सही ना? मैंने देखा है देव, उसके बारे में बात ही करने से तेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है, तो तुझे भी अपने दिल की बात उसे बतानी चाहिए ना।
उस खत में लिखी हर बात, तूने तो अभी तक उसे खत भी नहीं दिया है। उसे जानने का हक है कि तेरे दिल में क्या है। तू खुद जाकर जो जो तूने उस खत में लिखा है वो जाके उसे बताएगा। मुझे मां ना समझे लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो समझता है ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? करेगा ना, तुझे अपने सच का सामना करना होगा देव। ताऊ जी, ये सोशल मीडिया पे सब रायचंद को पनौती बोल रहे हैं। ये लिखा है, रिश्तों के मामले में रायचंद परिवार बदकिस्मत रहा है। और पता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, इस घराने में कोई भी शादी खुशहाल नहीं होती है। प्रिया एंड अभिमन्यु रायचंद की शादी भी एक खुशहाल नहीं है, बस एक दिखावा है, क्योंकि ये शादी कोई दो बिजनेसमैन के बीच में समझौता थी। ओह गॉड। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे पहले उनकी माँ सत्यवती रायचंद ने भी अपने से दुगने उम्र की शांतनु रायचंद से शादी की, जो कि कुछ ही साल चली और फिर शांतनु रायचंद की मृत्यु हो गई। सत्यवती शांतनु रायचंद की दूसरी पत्नी थी जो छोटी उम्र में विधवा हो गई। ये सब क्या बकवास पढ़ने लगी है तू? हाँ बंद कर इसे, तू बंद कर इसे, ये लोग कुछ भी छाप देते। विदी दी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तो तुझे गुस्सा नहीं आ रहा गोल्डन? ये लोग देव सर और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ भी लिख रहे, कुछ भी छाप रहे, और तू ये कैसी साइटें पढ़ने लगी है? बेटा लोग तो बातें करेंगे ही, कल को समाज भी ये बात उछालेगा। लोगों का मुंह कोई बंद कर सका है क्या आज तक? पापा लेकिन लोगों को बोलने या छापने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए ना। देव सर कितने अच्छे इंसान है, वो कभी भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करेंगे। और ये सगाई पापा उनकी माँ ने रोकी है, तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना वो क्यों ऐसा करेगी ना। और इस तरह पूरे परिवार के रिश्तों पर सवाल उठाना, ये तो गलत है ना पापा? ये बात तो मैं मानता हूँ तेरी बेटा, ये बात तो गलत है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए कम से कम कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू तो देव सर के साथ इतना समय बिताती है, सगाई के बात पे तुझे कोई बात खटकी थी क्या? मतलब देव जी या उनकी माँ, उन्हें कोई परेशानी थी इस रिश्ते से? अरे परेशानी क्या होगी बिमला, ये रिश्ता देव साहब की बहन के ससुराल से आया था। बहन के ससुराल से, समझ रही हो बात को? बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है ये, एक एक कदम फूक फूक के उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपने एक गलत कदम उठाया तो उसका असर आपकी बहन की जिंदगी पर होगा। आप सही कह रहे हैं विधि, घर वालों को परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर तो था ना? मम्मा मुझे कैसे पता होगा, मतलब देव सर मुझसे इतनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करते। तो होता है सर मेरे साथ हो ही रहा है ना, कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपके गुस्से के डर के मारे बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी बर्बादी का कारण तुम ही हो, तुम्हारा एक तरफा प्यार और ये दो कौड़ी की लव स्टोरी, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें ये सब, इसका हिसाब देव को भी चुकाना पड़ेगा। अंबा मैम, मेरा बदलाव देव सर और चित्रा मैम से ना ले।